दादा भैया और मिसी को सभी को डुबो जोहार। तो दादा भैया मिसी को आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं देवघर जिला मधुपुर प्रखंड में। मधुपुर प्रखंड के अंतर्गत 52 बीघा स्थित झारखंड अध्ययन सह शोध संस्थान संवाद द्वारा संचालित है। यह अध्ययन केंद्र, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मधुपुर में मात्र यही एक अध्ययन केंद्र है जो यहाँ के विद्यार्थियों को लाभ पहुँचा रही है। तो साथियों, लोकेशन के तौर पर बता दें, यह मधुपुर रेलवे स्टेशन से महज 1.5 किलोमीटर पश्चिम दिशा ओझा मोड़ के काफ़ी नज़दीक है और मधुपुर पॉलिटेक्निक और केंद्र विद्यालय से नज़दीक है। तो साथियों, चलिए हम चलते हैं इस अध्ययन केंद्र के ओर। तो आइए हम लोग जानते हैं यह अध्ययन केंद्र किनकी प्रेरणा और परिश्रम का फल है जो मधुपुर के विद्यार्थियों और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा रही है। तो साथियों, अध्ययन केंद्र जाने के लिए आपको इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आना होगा। अध्ययन केंद्र जो है वह फर्स्ट फ्लोर में है। तो ये आप लेफ्ट साइड देखें, यह गेट है और ये सामने का लोकेशन आप देख सकते हैं। ये मेन रोड है और ये सामने एक बिल्डिंग देख रहे हैं। यह झारखंड की सबसे पुरानी संस्था जुड़ाव है और ये सामने यह अध्ययन केंद्र का बिल्डिंग, यहाँ सृष्टि केंद्र भी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इस अध्ययन केंद्र में। हम प्रवेश कर चुके हैं इस अध्ययन केंद्र में। तो देख सकते हैं बुकों का यहाँ संग्रह कितने सुसज्जित ढंग से सजाकर बुकों को रखा गया है और ये सामने एक डेस्क भी है, अध्ययन चेयर भी लगी हुई है काफ़ी बेहतर ढंग से। और यहाँ पर ये न्यूज़पेपर भी आपको पर डे मिलेंगे, 2-3 तरह के न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम ये पहला छोड़ता है, अब हम मिडिल पोर्शन पर जाते हैं। ये यहाँ के लाइब्रेरियन महोदय हैं, इनसे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए अलग अलग रैक में रखा गया है और कुछ अलमारियों में भी बुक्स रखी गई है, हजारों की संख्या में। ये भारत सावित्री, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के विषयों की। और ये देखिए, और ये सामने एक और डेस्क मिला है, ये थर्ड पार्ट हो गया। और ये सामने आप देख सकते हैं ये शौचालय की भी सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पर पीने के लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और आगे हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ कंप्यूटर भी है, आप जो भी बुक वगैरह मांगेंगे वो मिल जाएंगे। और ये सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर भी लगी हुई है, संविधान निर्माता। यहाँ पर आपको छोटी संविधान, बड़ी संविधान, सभी तरह की बुक्स छोटे साइज बड़ी साइज में आपको मिल जाएंगे। और ये देखिए कितना बड़ा डेस्क है। और ये बुक्स का देखिए 1857 बिहार झारखंड में युद्ध, ये बुक्स है। भारतीय जनजातियाँ, मरांगों के, और इसके अलावा बहुत सारे भील जनजाति, ताबेन जोम, इनसाइड झारखंड। और ये सामने आप देख सकते हैं झारखंड की जनजातियाँ। और यहाँ वाद्य यंत्र भी हैं, आप वाद्य यंत्र भी का आनंद ले सकते हैं, सीख सकते हैं।
और ये देखिए गर्मियों के समय में फैन की भी व्यवस्था की गई है, लाइट यहाँ 24 आवर्स लगी हुई रहती है। और ये देखिए किस तरह अलमारियों में हजारों की संख्या में आपको बुक्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब लाइब्रेरी महोदय से हम थोड़ा बात करते हैं इस विषय पर और जानकारी लेते हैं। मैंने 2018 से ही मैं इस लाइब्रेरी को देख रहा हूँ और बीच में लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से हम लोग जो है अध्ययन हम नहीं कर पाए इसमें, और काफ़ी बुकों का संग्रह है। तो हमारे इस लाइब्रेरियन महोदय जो हैं इनका नाम भी परिचय भी जानेंगे और क्या सुख सुविधा है यहाँ पर ये भी जानेंगे और किन की देख रेख में ये चल रहा है, संचालित किसके माध्यम से हो रहा है ये भी बताएंगे। तो महोदय जी आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम महेश मिश्रा है और मैं संवाद के द्वारा संचालित झारखंड अध्ययन केंद्र सहशोध संस्थान की देख रेख करता हूँ। वर्ष 2005 में हमारे वरिष्ठ साथी क्रांतिकारी समाजकर्मी पर्यावरणविद घनश्याम भाई को महाराष्ट्र में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उसमें प्राप्त नगद राशि से उन्होंने मधुपुर में एक अच्छी पुस्तकालय की स्थापना की कल्पना की और उन्होंने मधुपुर में पुस्तकालय की स्थापना 2005 जून को उन्होंने प्रारंभ की। यह पुस्तकालय पहले शहर के नीमतल्ला रोड, बाद में फिर पंचमंदी रोड में चला गया। पंचमंदी रोड में भी वहाँ कला केंद्र और कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से पुस्तकालय का संचालन काफ़ी दिनों तक किया गया। बाद में यह पुस्तकालय पुनः 52 बीघा अपने संवाद कार्यालय के परिसर में स्थापित की गई है। यहाँ पर करीब 10,000 पुस्तकें हैं, विभिन्न विषयों की पुस्तकों की भरमार है यहाँ, और काफ़ी दूर दूर से साथी यहाँ आते हैं अध्ययन के लिए, शोध के लिए, और यहाँ से पुस्तकें ले जाते हैं और यहाँ बैठकर पढ़ते भी हैं। वर्तमान में कई एक छात्र यहाँ पर अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। यह मधुपुर का ही नहीं, मैं मानता हूँ कि आसपास में जितने भी पुस्तकालय हैं उन पुस्तकालयों में हमारे जो संग्रह है इस तरह की पुस्तकें शायद नहीं है। हम इस पुस्तकालय में बैठने की सुविधा के साथ बिजली और शौचालय की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। यह सुबह 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक खुलती है, रविवार को अवकाश के दिन यह बंद रहता है। हमारे बहुत सारे ग्रामीण छात्र छात्राएं यहाँ पहुँचते हैं और इस पुस्तकालय का लाभ उठाते हैं। सर ये लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? इस पुस्तकालय का नाम झारखंड अध्ययन केंद्र सहशोध संस्थान है। किसके माध्यम से संचालित होती है महोदय? यह पुस्तकालय संवाद के माध्यम से संचालित की जा रही है। संवाद के द्वारा ही पुस्तकों को मुहैया कराया जाता है और यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं संवाद के माध्यम से दी जाती है। जैसे यहाँ अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी अगर आएंगे तो सर तो यहाँ का शुल्क वगैरह कुछ है रखे हुए? यहाँ न्यूनतम शुल्क 10 रुपया हमारा यहाँ है, मासिक शुल्क मात्र 10 रुपया है। हम चाहते हैं कि यहाँ शैक्षणिक वातावरण बने, इस मधुपुर क्षेत्र में शैक्षणिक वातावरण बने, इसके लिए हमारे जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वही पुस्तकालय से जुड़कर इसका लाभ उठाएँ और जीवन में अपना बेहतर भविष्य को बनाए। उज्ज्वल भविष्य के लिए किताबों का पढ़ना बहुत जरूरी है। वर्तमान में मोबाइल और टीवी ने शैक्षणिक वातावरण को तोड़ कर रख दिया है और जब तक हम किताबें और पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यह तय मान ली है। जी बिल्कुल सर। तो यहाँ किस प्रकार की किताबें मिल सकती हैं? यहाँ साहित्य की पुस्तकें हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की पुस्तकें हैं, आंदोलन की हैं, गांधी वांग्मय है, जेपी का वांग्मय है, लोहिया वांग्मय है, नेहरू वांग्मय है, इसके अलावा जितने भी प्रेमचंद
के हजारों पुस्तकें हमारे यहाँ है। इसके अलावा कविता संग्रह है, इतिहास की पुस्तकें हैं, भूगोल की पुस्तकें हैं, कला संस्कृति की पुस्तकें हैं। और हमारी पुस्तकालय की जो ये पुस्तक है आदिवासी अस्मिता का संकट, और इनके लेखिका है वो रमनिका गुप्ता जी। और ये मैं आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ कि हमारे पुस्तकालय में झारखंड और आदिवासी से संबंधित सैकड़ों पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में मुख्य रूप से डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर रोज करकेटा बासवी, इसके अलावा महुआ माझी, हेमंत जी, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो मंगल सिंह मुंडा, वेरियर एल्विन, महुआ माझी, श्रीकांत, इसके अलावा जो स्थानीय जो लेखक हमारे हैं सुनील मिंज के साथ में कई एक साथी जो हैं उन्होंने किताबें लिखी है, फैसल अनुराग, दयामणि बारला, घनश्याम, फैसल अनुराग, और पुराने कई रचनाकार जो हैं उन्होंने अपनी संग्रह को हमारे पुस्तकालय को दिया है। और खास करके आदिवासी से संबंधित जो हमारी जो पुस्तकें हैं वो यहाँ के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी शोध का काम कर सकती है। अंत में शोधार्थियों और शोधकर्ताओं और पाठकों को आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे और या क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार, सलाम, नमस्कार करते हुए अनुरोध करते हैं कि हमारे 52 बीघा मधुपुर स्थित झारखंड अध्ययन केंद्र सह शोध संस्थान में पधारें और अपने ज्ञान की धारा को मजबूत करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और जीवन में सफलता की मार्ग पर चढ़ने का और एक नेक इंसान बनने की राह को चुनें। हमारे पुस्तकालय में जितने भी पुस्तकें हैं उपलब्ध, इसके अलावा भी अगर छात्र छात्राओं को जो पुस्तकें चाहिए, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो हमें बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन पुस्तकों को हम अपने पुस्तकालय तक पहुँचाएँ और अपने छात्र छात्राओं को मुहैया कराएं।